अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए लेके आ गए हैं जी सात मरला कैटेगरी का। हमारे पास डबल यूनिट गैर प्लस कॉर्नर कैटेगरी आ जाती है। ये मैं इस टाइम बैरिस के स्ट्रीट में खड़ा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने आपको इसकी मेन बॉलेवार्ड नज़र आएगी जो कि अबू बकर ब्लॉक की है। लोकेशन की अगर बात करें तो बैरिया टाउन फेज है, ट्रावल पिंडी के अंदर अबू बकर ब्लॉक है जो कि एक फैमिली कम्युनिटेड ब्लॉक आ जाता है हमारे पास। उसमें ये कैलकुलेट करता है। मैं इस टाइम बाहर खड़ा हूँ तो इसकी आप ज़रा ओवरव्यू देख सकते हैं बाहर से। कॉर्नर कैटेगरी आपको यहाँ पे इसको वो आप देख सकते हैं कि सामने से भी यहाँ पे स्ट्रीट व्यू आपको मिल जाता है और ये भी हमारे पास इसका स्ट्रीट व्यू आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्ट्रीट है, आपको कार पार्किंग का भी कोई इशू नहीं होगा, घर तक एक्सेस भी आपको इजीली मिल जाती है। तो वीडियो में हमारे साथ रहिएगा ताकि हम एंड तक इसका टूर करते हैं। तो व्यूवर्स ये भी देखिएगा कि आप देख सकते हैं कि बाहर अगर इसकी एलिवेशन की बात करें तो टोटली यहाँ पर हमारे पास रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है, प्लस जो इसके एलिवेशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील्स बाहर जो ग्रिल्स हैं वो भी लगाई गई हैं। और जैसे हम यहाँ से अंदर एंटर होते हैं तो हमारे पास इसका कारपोर्च कैरिया आ जाता है वीवो से खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खूबसूरत यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बीच में मार्बल इंस्टॉल किया गया है ताकि एक जो प्रॉपर वॉल होती है उसका एक फीचर्ड लुक दी जाती है। यहाँ पर हमारे पास इस तरफ माशाल्लाह खूबसूरत पुरानी आयात यहाँ पर लिखी गई हैं। और अगर एंट्रेसेस की बात की जाए तो व्यूवर्स यहाँ पे हमारे पास तीन एंट्रेसेस आ जाती हैं। एक हमारे पास यहाँ पे जो ड्राइंग एरिया आ जाता है उसके लिए अलग से एक्सेस दी गई है। यहाँ पे हमारे पास अपर पोर्शन के लिए एक्सेस आ जाती है और ये मेरी बैक साइड पे आपको जो मेन एंट्रेंस होती है घर की वो मिल जाती है। तो स्टार्ट लेते हैं हम अपने ड्राइंग एरिया की जानब से। तो आइए हमारे व्यूवर्स, ये आप इस टाइम हम खड़े हैं जी ड्राइंग एरिया के अंदर खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के साथ। बड़ाई की बड़े साइज़ के अंदर यहाँ पर हमारे पास फैन एक आ जाता है। इस तरफ हमारे पास एक वॉल के ऊपर पूरा वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है। डबल साइडेड आपको वेंटिलेशन विंडोज देखने को मिलेंगे डबल ग्लेज के साथ, क्योंकि ये कॉर्नर कैटेगरी के लिए आ जाता है। तो आपका ये फ्रंट फेसिंग आ जाती है और ये आपका इस तरफ जो है स्ट्रीट व्यू आ जाता है लेफ्ट साइड का। तो यहीं से जी हम एक्सेस करते हैं अपने मेन एरिया की जानब, घर के मेन एरिया की तरफ। तो जैसे हम यहाँ से अंदर एंटर होते हैं व्यूअर्स, तो ये हमारे पास इसका खूबसूरत टीवी लॉन्च का एरिया आ जाता है। टीवी लॉन्च के में जैसे एंटर होते हैं हमारे ऊपर खूबसूरत एक फानूस ड्रॉप डाउन किया गया व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पे हमारे पास डबल फैंस हैं पांच परों वाले। तो ये जी हमारे पास इस तरफ वॉल पैनल भी आ जाता है जिसको हम मीडिया वॉल भी बोलते हैं, वॉल पैनल भी बोलते हैं। तो मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट नाम है जिससे लोग इसको जान सकते हैं। तो ये हमारे पास वुडन में वॉल पैनल आ जाता है जो कि टीवी लॉन्च का एरिया है। और यहाँ पर अपने मीडिया वॉल इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस जगह है। फ्लोर प्लान की अगर बात की जाए तो व्यूवर्स यहाँ पे ग्राउंड पोर्शन के ऊपर हमारे पास दो बेडरूम्स हैं और तीन बेडरूम्स जो हैं हमारे पास अपर पोर्शन के आ जाते हैं। डबल यूनिट घर है और पांच बेडरूम्स अकोमोडेशन के साथ हैं। स्टार्ट ले लेते हैं हम पहले जी किचन से। तो व्यूवर्स किचन आप पहले देख सकते हैं कि ये इसकी जो टॉपिंग है वो आपको वाइट थीम के अंदर यहाँ पर काउंटर टॉपिंग मिल जाती है मार्बल मटीरियल के अंदर। और यहाँ पर अगर इसके थीम की बात की जाए तो टोटली स्मार्टली डिज़ाइन यहाँ पे थीम है। मर्करी आपके पास ग्लास आ जाता है जो कि आपको एज अ कैबिनेट पर्पस के लिए देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। रेंज हुड हमारे पास आ जाता है, बर्नर्स आ जाते हैं, उसके अलावा आप टोटली ओवरऑल सिंक के लिए यहाँ पे आ जाता है। और क्रॉकरी की जो कैबिनेट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और यहीं से आपको घर की जो बैक साइड है ये एरिया आपको बैक साइड के लिए मिल जाता है। अगर आप लॉन्ड्री वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वाटर की सप्लाई दी गई है, ये आप देख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे भी प्रॉपर जो फ्लोरिंग है वो टाइल वर्क की गई है और जो बाउंड्री वॉल है ये रॉक वॉल का इस्तेमाल है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं अपने बेडरूम की जाने की। आप देख सकते हैं किचन खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन ब्लू लाइट LED प्रोफाइल लाइट्स के साथ। और बाकी जो हमारे पास ग्राउंड पोर्शन के ऊपर दो बेडरूम्स हैं तो हम स्टार्ट ले लेते हैं फर्स्ट पोर्शन से ही। ये बिकॉज आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बेडरूम आ जाता है हमारे पास, फीचर्ड वॉल हमारे पास यहाँ आ जाती है जो कि वॉल मोल्डिंग भी हुई हुई है, वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। और कैबिनेट्स के अगर वार्डरोब की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स के टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी ZRK मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है वार्डरोब के लिए। और इसका जो वॉशरूम आ जाता है ये हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है। खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर टाइल वर्क किया गया है और कोरियन की वैनिटी है हमारे पास। अभी व्यूअर्स हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की जाने। ये हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम आ जाता है, अगेन वही थीम है, वॉलपेपर का कलर यहाँ पे चेंज है, वॉल मोल्डिंग की गई है जो कि कनेक्ट करती है आपको सीलिंग डिज़ाइन के साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास खूबसूरत वेंटिलेशन विंडोज़ आ जाती हैं सेफ्टी ग्रिड्स के साथ।
और इसका जो इस रूम की जो वार्डरोब है वो आपको इनसाइड द वॉशरूम में मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये डोर की बैक साइड पे आपको वार्डरोब की स्पेसेस यहाँ पे मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं। और ये आप रेनफॉल शावर देख सकते हैं व्यूवर्स, और यहाँ पे आप कलर थीम देख सकते हैं, खूबसूरत कोरियन की वैनिटी है यहाँ पे। एक अच्छी मटेरियल यूज़ किया गया तभी इस घर की जो डिमांड है वो 3,30,00,000 की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर लोकेट करता है और 7 मरला की कैटेगरी के साथ साथ ये डबल यूनिट घर भी है और कॉर्नर कैटेगरी का। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारा ग्राउंड पोर्शन का टूर कंप्लीट हो जाता है। अभी हम अपने फर्स्ट पोर्शन के टूर के लिए चलते हैं। तो जैसे हम स्टेयर्स के पास आते हैं तो ये आप देख सकते हैं जो छोटी स्टेयर केस है ये आपको जेट ब्लैक ग्रे नाइट में नज़र आएगा, और जो इसकी ग्रिल्स हैं स्टील की आपको ग्रिल्स मिल जाती हैं, और इस तरफ आपको वॉल मोल्डिंग के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि वॉलपेपर भी इंस्टॉल्ड हैं, जो कि अगर आप थ्रू एक्सेस कर रहे हैं फर्स्ट पोर्शन को तो आपको खूबसूरत नज़ारा देखने मिलता है यहाँ से। ये जैसे हम यहाँ से फर्स्ट पोर्शन पे पहुँचते हैं तो हमारे पास ये खूबसूरत टीवी लॉन्च एरिया आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खूबसूरत आपको फैंस मिल जाते हैं, GFC के फैंस इंस्टॉल्ड हैं यहाँ पे हमारे पास, और खूबसूरत एक फानूस इंस्टॉल्ड है। सीलिंग आप देख सकते हैं कि CNC कैटेगरी के अंदर आपको सीलिंग डिज़ाइन मिल जाता है, और यहाँ पे खूबसूरत वुडन के साथ वॉल पैनल आ जाता है जो कि मीडिया वॉल पर्पज़ के लिए यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन अपर पोर्शन पे और एक क्लोज्ड किचन है। नीचे ग्राउंड पोर्शन पे ओपन किचन था, यहाँ पे हमारे पास इसका क्लोज्ड किचन आ जाता है। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स ये सेम थीम के ऊपर ये आप देख सकते हैं ये वार्डरोब की स्पेसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। कबर्ड्स अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे शीट्स यूज़ की गई हैं। HS का यहाँ पे हमारे पास रेंज हुड आ जाता है, बर्नर इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे सिंक के लिए आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं जो कि बिल्कुल सामने यहाँ पे स्ट्रीट व्यू भी दे सकते हैं वेंटिलेशन विंडो के थ्रू। और डोर डिज़ाइन आप देख सकते हैं व्यूअर्स के प्रॉपर ग्लास प्लस वुडन यहाँ पे थीम रखा गया है। इस तरफ हमारे पास इसका एक बेडरूम आ जाता है, यह आप देख सकते हैं खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के साथ। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये डबल साइडेड था तो ये आप देख सकते हैं कि व्यूअर्स आपको यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो भी मिल जाती है डबल ग्लेज के साथ, और आसपास का आप बुकर ब्लॉक का रेजिडेंशियल एरिया भी आप देख सकते हैं। बड़े साइज़ के अंदर यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेशन विंडोज दी गई हैं बेडरूम के लिए। यहाँ पे इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स खूबसूरत कलर्स थीम्स के साथ, और वार्डरोब की स्पेस इस बेडरूम की अंदर ही है एज कम्पेयर टू जो बाकी बेडरूम्स हैं वहाँ पे भी बिल्कुल सेम उसी तरह इनसाइड द वॉशरूम दी गई है। यहाँ पे हमारे पास बेडरूम आ जाता है, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स के खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन के साथ बड़े साइज़ के अंदर विंडो पैनल आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपको स्वीट व्यू मिल जाता है यहाँ से, आसपास की रेजिडेंशियल एरिया भी आप देख सकते हैं, और विंडोज़ का अगर आप साइज़ देख सकते हैं विंडोज बेडरूम के अंदर इतने बड़े साइज़ के अंदर आपको विंडो मिल रही है। और इस तरफ हमारे पास फीचर वॉल आ जाती है जो कि वॉल पेपर यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है अच्छे डिज़ाइन के अंदर, और इसका अटैच वॉशरूम इस तरफ आ जाता है, ये आप चेक करें। कोरियन की वैनिटी आ जाती है, हमारे पास रेनफॉल शावर आ जाता है, और सेरामिक यहाँ पर हमारे पास कमोड सीट आ जाती है। व्यूअर्स ये हमारे पास 2 बेडरूम्स हो गए, और लास्ट में जो हमारे पास 3rd बेडरूम बचता है वो है जी बेल्कनी वाला, तो अभी हम उसको विजिट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स के 3rd बेडरूम आ गया हमारे पास, यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो आ जाती है जो कि हाउस फेसिंग का मतलब जहाँ पे मेन गेट है ये अगेन ये उस तरफ डबल साइडेड है, स्ट्रीट व्यू आपको यहाँ से मिलता है। ये हमारे पास फीचर्ड वॉल आ जाती है, वॉल पेपर इंस्टॉल्ड है, प्लस यहाँ पे हमारे पास LED पॉपअप लाइट्स हैं। और इसकी अगर वॉशरूम की बात की जाए तो वो मेरी बैक साइड पे मौजूद है, और वॉक थ्रू के अंदर इसकी कैबिनेट्स आ जाती हैं, ये आप देख सकते हैं खूबसूरत यहाँ पे कबर्ड्स हैं, ड्रॉर्स बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं एक अच्छा जो क्वालिटी मटीरियल है वो यूज़ किया गया, और यहाँ पर आपको इसका वॉशरूम मिल जाता है। रेनफॉल शावर है, सेरामिक की यहाँ पर हमारे पास कम्पोजिट कोरियन की वैनिटी, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसकी जो बैल्कनी है यहाँ पे हमें व्यूअर्स इसकी बैल्कनी मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेट ब्लैक 3 स्टेप्स हैं, और यहाँ पे फिर आगे हमारे पास बैल्कनी आ जाती है।
ही वॉज ओवरऑल घर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी, रीजनेबल बजट के अंदर ये घर आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर इस घर की मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता करें और इस घर की मज़ीद पिक्चर्स या वीडियोज़ हासिल कर सकते हैं। मोमटी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमारे पास एक रूम है और उसके साथ अटैच वॉशरूम है। अभी क्योंकि ऊपर अंधेरा है और चाबी जो केयर टेकर है उनके पास है तो वो भी क्या रहते हैं मिसप्लेस होगी, लेकिन मैं आपको बाद में विज़िट करवा सकता हूँ। तो आप अगर विज़िट करना चाहते हैं हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस घर की लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि बैरियर टाउन से जो ट्रावल सिटी के अंदर इस घर लोकेट करता है। ये प्राइम लोकेशन के ऊपर घर है, डबल यूनिट घर है और कॉर्नर कैटेगरी में आता है। 3 करोड़ 30 लाख इस घर की प्राइस है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।